बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज के होने वाले इजलास की। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास में इलेक्शन कमीशन को फंड्स की फराहमी पर फैसला ना हो सका। काबीना ने पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स की मंजूरी का फैसला पार्लियामेंट को छोड़ दिया। इजलास में इलेक्शन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लिया गया। कौमी असम्बली की करारदाद पर भी तफसीली मुशावरत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने मामले पर गौर के लिए काबीना का इजलास कल सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस में बुला लिया है। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा मजीद के नमूर पर बातचीत की गई है। देखिए, इजलास में जो 4-3 के तनासुब से आने वाले अदालती हुक्म और 4 मौजूद जज साहिबान के तफसीली फैसले पर गौर किया है, जबकि 6 अप्रैल को कौमी असम्बली की जो मंजूर करदा करारदाद जो है उस पर तफसीली मुशावरत हुई है। इसमें सबसे अहम जो बात है कि इसका तमाम पहलुओं के बगौर जो है वो जायजा लेने और तफसीली मशावरत के बाद काबीना ने मुतफ़क़ा तौर पर वजारत खजाना को हदायत की है कि वजारत कानून की मशावरत से इस मामले में पार्लियमान से रहनमाई हासिल करने के लिए तरीक़ाकार और ज़ाब्ता के मुताबिक तमीर तैयार की जाए, क्योंकि कल काबीना से जो है उसकी मंजूरी ली जाएगी और कल ही इसका जो है पार्लियामेंट में जो है उसको लाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने वाज़ेह किया है कि पूरे मुल्क में इंतखाबात एक ही वक्त पर अक्टूबर में होंगे। कहते हैं कि मुल्क में आइनी और सियासी बहरान चल रहा है, पंजाब में पहले इंतखाबात कराने से मुल्क में फसाद पैदा होगा। 1971 में ऐसे इंतखाबात के नतायज भुगत चुके हैं। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल का कहना था कि नवाज शरीफ को नाअहल करना अदालत का सियाह फैसला था। फैसलों से लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में डिक्टेटरशिप मुसल्लत है। सुप्रीम कोर्ट का ये मनसब नहीं कि वो मुल्क में सियासी बहरानों को जन्म दे। वफाकी वज़ीर-ए-इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि जो शख्स अपनी बेटी को ठुकरा दे वो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। जो शख्स माशरे में अपनी बेटी को इज्जत नहीं दे सकता, जो अपनी बेटी को बेटी नहीं कह सकता, वो तुम जैसा बुजदिल होता है। इमरान खान के बयान पर रद्दअमल देते हुए मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि आज़ादी की जंग लड़ने वाला पहला बुज़दिल है जो काले रंग के डिब्बे से सर बाहर नहीं निकाल सकता, और बुज़दिल नवाज शरीफ है। मरियम औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा कि बुज़दिल वो होता है जो औरतों और बच्चों को ढाल बनाकर खुद चारपाई के नीचे छुप जाए। गैर मुल्की फर्म्स के गुलाम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। इक्तदार के गुलामी में डूबा शख्स कुर्सी की खातिर मुल्क के खिलाफ साजिश करता है। इमरान खान दोबारा मुंतखब हुआ तो कौम को सज़ा भुगतना पड़ेगी। इमरान खान के IMF से माहिदों के बायस मुल्क मुश्किलात का शिकार है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्ला की फैसलाबाद में गुफ्तगू। कहा इमरान खान ने तोशा खाना के तहाइफ दुबई में बेच दिए। कौम ने जो है वो लोगों ने भी थोड़ा गलती की और उसके साथ इस्टेब्लिशमेंट ने भी गलत काम किया और इस झूठे मॉरली करप्ट और नाअहल इंसान को इस मुल्क पे ऊपर मसलत किया, जिसकी वजह से आज हम इस हाल को पहुंचे। पेट्रोल की कीमत जो है वो डबल हो गई है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि IMF की शरायत है कि जी सब्सिडी ख़त्म करें। ये जो हुकूमत बीच में रायत के लिए पैसे डालती है वो ख़त्म करें, वरना हम आपके साथ मुआहदा नहीं करेंगे। शर्जील मेमन ने आरिफ अलवी को टाइगर फोर्स का सदर करार देकर मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि सदर मुमलिकत को मुस्ताफ़ी होकर टाइगर फोर्स की कमान संभाल लेनी चाहिए। इमरान खान की चमचागिरी में सदर पार्लियामेंट पर तनकीद कर रहे हैं। इमरान खान के हक में तमाम फैसले एक ही बेंच ने दिए। दुनिया में पाकिस्तान के कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। मनसफों पर PTI के ठप्पे लग रहे हैं। बात करेंगे पक्के ऑपरेशन की, जो कि पंजाब पुलिस की जानिब से रहीम यार खान में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ किया जा रहा है। 11,000 पुलिस एहलकार इसमें शरीक हैं। IG पंजाब फ्रंट लाइन पर ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। ऑपरेशन में एक डाकू मारा गया है जबकि 6 को गिरफ्तार किया गया है। फायरिंग के तबादले में हेड कांस्टेबल समेत 2 एहलकार जख्मी हो गए हैं। कच्चे के इलाके में मुल्क दुश्मन अनासर की मौजूदगी का भी इंकशाफ हुआ है। FIA साइबर क्राइम विंग लाहौर के हाथों गिरफ्तार वासिफ कासमी के इंकशाफात। FIA तफ्तीश पे वासिफ कासमी का ताल्लुक सियासी जमात से निकला। वासिफ कासमी ने बताया कि सियासी पार्टी और आदिल राजा नामी शख्स सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों की पुश्त पनाही करते हैं।
साबिका खातून MNA और आदिल राजा पाक फौज के खिलाफ मवाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए भेजते हैं। आदिल राजा और सियासी पार्टी ने पाक फौज और मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के लिए मुनज्जम टीम बना रखी है। वासिफ कासमी ने अदालत के सामने नफरत अंगेज मवाद शेयर करने पर माफी मांगी है। डिजिटल मर्दमशुमारी पीर रात 12 बजे ख़त्म होगी, लेकिन कराची में मर्दमशुमारी का अमल ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची में 90% मर्दमशुमारी हो चुकी है और अब तक शहर कायद के 1,50,00,000 अफराद को शुमार किया जा चुका है। इदारा शुमारियात की जानिब से 7 अप्रैल तक जारी अदादोशुमार के मुताबिक कराची की शुमार होने वाली आबादी 2017 की मर्दमशुमारी से भी कम है। सिंध में अब तक 4,93,00,000 से ज्यादा अफराद की मर्दमशुमारी हो चुकी है। इदारा शुमारियात के मुताबिक पूरे मुल्क में 99% मर्दमशुमारी का अमल मुकम्मल हो चुका। अब तक 22,40,00,000 से ज्यादा अफराद को शुमार किया गया है। कराची और सिंध के दीगर शहरी इलाकों की आबादी कम दिखाने की कोशिश की जा रही है। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी ने मर्दमशुमारी पर एतराज़ दोहरा दिए। कुरंकी में इफ्तार डिनर से खिताब में कहा कि हमें गिन लें इससे पहले उल्टी गिनती शुरू हो जाए। दुरुस्त मर्दमशुमारी की गई तो वज़ीर आला कराची से होगा। पाकिस्तान को IMF से ज़्यादा कराची की ज़रूरत है। शहरी इलाकों की आबादी को कम दिखाया जा सके। आप हमारी ख्वाहिश ये, हमारा ख्वाब ये है, हमारे बुजुर्गों तक हमें जो अमानत मिली है उसका तकाजा ये है कि हम पूरे पाकिस्तान को अपने साथ लेके चले। और आप ही हैं ना सिर्फ महाजरों सिंध के शहरी इलाकों और पूरे पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद। खुद को बेहतर कीजिए ताकि उनको बेहतर किया जा सके।